वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री सेमेस्टर फोर में सब्जेक्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर वन में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर की अगर थोड़ी बात करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो उसमें हमने देखा था जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसका जो सिग्नेचर होता है, दैट मीन्स टूल सिग्नेचर, टूल डेजिग्नेशन के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर किए थे। जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का सिग्नेचर होता है, बिल्कुल उसी तरह जो ड्रिलिंग टूल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिल बिट, उसका भी सिग्नेचर होता है। उसके अंदर भी अलग अलग एंगल्स होते हैं, एंगल का डेजिग्नेशन होता है। और जो मिलिंग मशीन के ऊपर हम लोग मिलिंग कटर यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं फेस मिलिंग कटर, तो उसके अंदर भी सेम डेजिग्नेशन एप्लीकेबल होंगे। आपको कंक्लूजन में सिर्फ इतना याद रखना है कि टूल डेजिग्नेशन, टूल सिग्नेचर की मदद से हम लोग किसी भी टूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके जो स्पेसिफिकेशन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं कि भाई कौन से टूल के अंदर कौन सी चीज़ अवेलेबल है। ओके, आगे बढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कटिंग फोर्स। ठीक है, सडनली ही चैप्टर नंबर वन के अंदर टॉपिक चेंज हो गया है, कुछ नया ही टॉपिक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डिस्प्ले में, कटिंग फोर्स। अब ये कटिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? तो जब कभी भी आप किसी मशीन पे या फिर मैन्युअली टूल की मदद से कोई वर्कपीस के ऊपर मशीनिंग या फिर कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उस समय पे टूल की वजह से या फिर टूल वर्कपीस के ऊपर बहुत ही अलग अलग तरीके के कटिंग फोर्स लगाता है। सेम टाइम पे वर्कपीस भी क्या करेगा, टूल के ऊपर अलग अलग तरीके के कटिंग फोर्स लगाएगा। अब ये जो सारे कटिंग फोर्स है उसकी वजह से वर्कपीस के ऊपर क्या असर होगी, वर्कपीस की सरफेस क्वालिटी में क्या डिफरेंस क्रिएट होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा कटिंग फोर्स अप्लाई करने की वजह से या फिर ज़रूरत से ज़्यादा कटिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से जो सरफेस क्रिएट होती है वर्कपीस के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर रफनेस बढ़ जाती है, रफनेस के जो ग्रेड है वो चेंज हो जाते हैं, और क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली वर्कपीस क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए ये थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म दिया गया है यहाँ पे मैथमेटिकल तरीके से या फिर मैथमेटिकली आपको एक इक्वेशन सॉल्व किया गया है, डेरिवेशन दिया गया है, वो समझना थोड़ा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग फोर्स के बारे में। बिफोर प्रोड्यूसिंग फॉर कटिंग फोर्स एंड इट्स इम्प्लीमिकेशन, लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मेटल कटिंग। कटिंग फोर्स तो लग ही रहे, कटिंग फोर्स को समझने से पहले हम लोग जो मैकेनिज्म होता है, मतलब बेसिक जब भी टूल की मदद से वर्कपीस का कटिंग या मशीनिंग होता है तो उसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, पहले हम लोग वो समझेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है द मैकेनिज्म ऑफ द मेटल कटिंग। ठीक है, आपको यहाँ पे मेटल कटिंग का मैकेनिज्म दिया गया है। वी कैन ऑब्टेन ऑर्थोगोनल कटिंग बाय टर्निंग अ थिन वॉल ट्यूब एंड सेटिंग द लेट बिट कटिंग एज परपेंडिकुलर टू द ट्यूब एक्सिस। एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके अंदर हम लोग पतला सा या फिर पतली थिकनेस वाला वॉल वाला ऐसा वर्कपीस जिसकी वॉल थिकनेस थोड़ी कम होगी, ऐसा एक हम ट्यूब लेंगे। ट्यूब लेने के बाद उसके ऊपर हम लोग टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मेथड कौन से यूज़ करेंगे, ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन कंसिडर करेंगे, और उस टाइम पे टूल के द्वारा वर्कपीस के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है,
कितनी थिकनेस में मटेरियल रिमूव होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म दिखाया गया है, ये पूरा हमारा वर्कपीस है। वर्कपीस के साथ इस पॉइंट पे टूल क्या करेगा, वर्कपीस के साथ कांटेक्ट में आएगा। शार्प एज होने की वजह से टूल वर्कपीस के ऊपर कटिंग फोर्स लगाएगा। कटिंग फोर्स लगने की वजह से जहाँ कहीं पे भी टूल वर्कपीस के सरफेस के कांटेक्ट में आएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे शियरिंग फोर्स लगने की वजह से या फिर कंप्रेसिव फोर्स लगने की वजह से मटेरियल का शियरिंग होगा, मेटल का शियरिंग होगा। शियरिंग एक्शन की वजह से प्लास्टिकली मटेरियल डिफॉर्म होगा और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट से यानी कि वर्कपीस की सरफेस से मटेरियल चिप बनकर क्या होगा, रिमूव होगा। तो बिफोर मशीनिंग होने से पहले वर्कपीस की थिकनेस जो थी यानी अभी तक चिप प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ओके, अनडिफॉर्मेड चिप थिकनेस कह सकते हैं आप उसको, तो वो हो जाएगा T1। T1 का मतलब क्या है, अभी मशीनिंग हुआ नहीं है, कटिंग हुआ नहीं है, कोई चिप प्रोड्यूस भी नहीं हुआ है, उसके पहले की थिकनेस हो जाएगी T1। क्लियर है? और मशीनिंग होने के बाद जो चिप निकलेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल चिप बनकर निकल रहा है, तो उसकी थिकनेस ले लेंगे हम लोग T2। तो अभी आपको इस थ्योरी में ऐसा पूछा जाए कि चिप की थिकनेस कितनी है, तो वो हो जाएगी T2, ये वाला T2, और वर्कपीस की थिकनेस आप लोग कंसीडर कर सकते हैं T1। फिर जो ऑर्थोगोनल कटिंग की हमने बात की थी तो उसमें तो 90 एंगल रहेगा, लेकिन थोड़ा आपने टूल को स्लाइड किया हुआ है तो वो हो जाएगा ऑब्लिक कटिंग। ऑब्लिक कटिंग का मतलब होता है वर्कपीस और टूल की जो कटिंग फेस है या फिर कटिंग सरफेस है उसके बीच का एंगल, वो हो जाएगा अल्फा। ओके, तो ये छोटा सा फिगर आपको ड्रॉ करना है, T1, T2, अल्फा, टूल, वर्कपीस, सारे नोटेशन आपको फिगर के अंदर दिखाने हैं। नीचे ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है T1 क्या है, T2 क्या है, वो भी आपको लिखना है। ऑलवेज T2 ग्रेटर देन T1 होगा, यानी जो चिप निकलेगी नहीं, चिप नहीं निकली है उसकी थिकनेस, जो चिप निकली है उसकी थिकनेस से ऑलवेज कैसी होगी, कम होगी। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं जो चिप निकली है उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होगी। क्लियर है? चलिए अभी हम लोग आगे देखेंगे कि भाई कौन से फोर्स अप्लाई होंगे। तो अल्फा का मतलब क्या होगा, जो आगे हमने एंगल देखा, अल्फा का मतलब होगा टूल रैक एंगल। ओके, अब उसी फिगर को हम लोग थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे या फिर आप बोल सकते हैं कि थोड़ा डिटेल में देखेंगे। चलिए फटाफट देख लेते हैं कटिंग फोर्स का जो भी कंसेप्ट है वो। ये पूरा हमारा वर्कपीस है, ये टूल है और ये चिप बनकर मटेरियल रिमूव हो रहा है। ये हो गया हमारा एंगल अल्फा, ठीक है। अल्फा का मतलब क्या था, अभी हमने ऊपर देख लिया टूल रैक एंगल, और ये जो फाई है वो क्या कहलाएगा, साइड एंगल, ठीक है। वो हमको आपको मालूम है अभी अल्फा बीटा और फाई का मतलब। तो आपको ये सेम फिगर बनाना है कटिंग फोर्स को या फिर जो भी फोर्स लग रहा है उसको समझने के लिए। वर्कपीस, ये चिप, ये टूल, चिप इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होके निकलेगा, ठीक है। ये एंगल अल्फा, ये बीटा और ये हो जाएगा फाई। क्लियर है? अब बीच में जो आपको पूरा कटिंग फोर्स का जो मैकेनिज्म दिख रहा है वो आपको खास समझना है, तो वापस एक बार क्लियर कर लेंगे। चलिए क्या होगा, तो सबसे पहले ये जो टूल है वो टूल दो डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F
एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एन, ठीक है, जिसको आप नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं। अब ये जो एफ और एन लग रहा है उन दोनों को मिला के कुल टोटल उसका जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आर, जो नॉर्मल फोर्स के साथ बीटा जितना एंगल बना रहा है, ये आपको खास समझना है। अब टूल वर्कपीस के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वर्कपीस भी टूल के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो वर्कपीस अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो हो जाएगा एफ एस, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो उसको बोलेंगे एफ एन। एफ एस और एफ एन का कुल टोटल मिला के जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा वो हो जाएगा आर डैश, क्लियर है? तो ये भी आपको ड्रॉ करना है और सारे नोटेशन आपको ड्राइंग में दिखाए गए वो आपको इंडिकेट करने हैं। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो कोई भी कटिंग फोर्स लग रहे हैं, देखिए अब कितने सारे फोर्स लग रहे हैं, एक एफ लग रहा है, एक एन लग रहा है, दोनों का रिजल्टेंट आर लग रहा है, नीचे की ओर एफ एस एफ एन लग रहा है, उसका भी रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। अब ये सारे फोर्स के जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, किसका क्या मतलब होता है। तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया आपको यहाँ पे फोर्स का, ऊपर वाला ही फिगर है, आपको इसको वापस बनाना है, क्लियर है? थोड़ा उसके अंदर अल्फा बीटा उसका जो भी मैकेनिज्म है कैलकुलेशन है वो दिया गया है फॉर दी फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। इससे हमको मतलब नहीं है, हमको तो जो कैलकुलेशन दिया गया डेरिवेशन में वो ध्यान रखना है। चलिए एफ एस का मतलब क्या होगा ये आपको ये जो नोटेशन है मैं बोल रहा हूँ वो आपको क्लास नोट में लिखने और याद रखने हैं। एफ एस का मतलब क्या होगा, शियर फोर्स। एफ एन का मतलब क्या होगा, फोर्स नॉर्मल टू द शियर प्लेन, जिस प्लेन में कटिंग होता है वहाँ पे अगर आप लोग नॉर्मल फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में तो एफ एन होगा। रैक एंगल होगा अल्फा और शियर एंगल होगा फाई। चलिए उसके बाद वापस वही मैकेनिज्म दिया गया है, ठीक है, आपको जो सिंपल फिगर लगे वो आप उसको ड्रॉ कर लीजिए। चलिए अब इक्वेशन की बात करेंगे, तो इक्वेशन पहला है एफ बाई एन इज इक्वल टू टेन टाउ इज इक्वल टू म्यू, क्लियर है? कौन सा फोर्स, ये वाला एफ और एन, उसका रेशियो दिया गया है टेन टाउ इज इक्वल टू म्यू, जिसमें म्यू का मतलब क्या होता है, तो याद रखना कि जब कभी भी आप कहीं पे भी म्यू देखोगे म्यू का मतलब फिक्स है, म्यू डेट मीन्स के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर? उसके बाद आपको आर सी दिया गया है, आर सी, आर सी का मतलब होता है जो भी हमारा चिप का थिकनेस है उसका रेशियो, ठीक है, चिप का थिकनेस था टी टू और बिना चिप निकले मटेरियल का थिकनेस था टी वन, यानी वर्कपीस का थिकनेस टी वन, तो टी वन ओपन टी टू करोगे तो आपको चिप थिकनेस का रेशियो मिल जाएगा, सी फॉर चिप आर फॉर रेशियो, चिप थिकनेस का रेशियो आर सी इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू, क्लियर है? नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, देख लीजिए। चलिए अभी ये भी आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आपको डिराइव क्या करना है, तो आपको ये वाला इक्वेशन डिराइव करना है, डिराइव करने में कुछ है नहीं, सीधा आपको याद रह जाएगा। पहले आप लोग लेंगे टी वन इज इक्वल टू एच साइन फाई, कहाँ से, तो क्या आगे जो हमने फिगर देखा था वही से, तो टी वन इज इक्वल टू हो जाएगा एच साइन फाई और टी टू इज इक्वल टू हो जाएगा एच कॉस फाइव माइनस अल्फा। अब हमने आगे क्या देखा, तो कि भाई चिप थिकनेस रेशियो आर सी इज इक्वल टी वन बाई टी टू, टी वन का वैल्यू रख दीजिए एच साइन फाई, टी टू का वैल्यू रख दीजिए एच कॉस फाई माइनस अल्फा, ओके। अभी यहाँ से थोड़ा मैथ्स वाला पोर्शन चालू हो रहा है, नीचे जो दिया गया एच कॉस फाइव माइनस अल्फा उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आया, ओके। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, पूरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद फाइनली आपको ये आंसर मिलेगा सिंप्लीफिकेशन होने के बाद। ये जो साइन फाई है उसको आप नीचे ले लीजिए लेफ्ट साइड पे, तो साइन फाई आ जाएगा बीच में प्लस ऊपर आर सी कॉस फाई कॉस अल्फा डिवाइड बाई साइन फाई प्लस आर सी साइन फाई साइन अल्फा डिवाइड बाई साइन फाई।
जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, जैसे यहाँ पे साइन पाई कैंसिल होगा, यहाँ पे कॉस फाई ओपन साइन, यानी क्या हो जाएगा, साइन ओपन कॉस हो जाएगा टेन, ठीक है। ये सारा मैथ्स वाला पोर्शन है, आप समझ जाओगे किस तरीके से सॉल्व हुआ है। फाइनली हमको आंसर मिलेगा टेन फाई इज इक्वल टू आर सी कॉस अल्फा ओपन वन माइनस आर सी साइन अल्फा। तो ये हो गया हमारा टेन फाई का वैल्यू। अब आगे जो हमने ट्रिगोनोमेट्री लिया था, ठीक है, कौन सी फिगर से थोड़ा आपको दिखा दूँ, ये वाली फिगर से जो हमने ट्रिगोनोमेट्री लिया उसमें से उसको अगर हमने सॉल्व किया, ठीक है, पाइथागोरस का जो प्रमेय आता है वो एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, तो वहाँ से हमको चार इक्वेशन मिले। एफ पहला जो फोर्स लग रहा था एफ उसका वैल्यू मिल गया, नॉर्मल फोर्स लग रहा था उसका वैल्यू मिल गया, शियर फोर्स लग रहा था उसका वैल्यू मिल गया, एफ एन नॉर्मल फोर्स का जो कंपोनेंट था उसका भी वैल्यू मिल गया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है, लास्ट में जो हमको मिला चार अलग अलग तरीके का जो हमको फोर्स मिला, तो फोर्स का जो वो वैल्यू है एफ एन एफ एस और एफ एन, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमको ये याद रखना है, क्लियर। तो यही तक रखते हैं आज के लेक्चर में। ये हमने कटिंग फोर्स को पेपर पे डेरिवेशन करके ट्रिगोनोमेट्री को अप्लाई करके सॉल्व किया। अब यही सेम कंसेप्ट मर्चेंट नाम के साइंटिस्ट ने अपनी खुद की एक थियरी एप्लीकेबल करवा के उसको सॉल्व किया था, तो उसको हम लोग कटिंग फोर्स की वाली थियरी में या फिर कटिंग फोर्स वाली थियरी में उसको हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, यही तक रखते हैं आज के लेक्चर में। थैंक यू।